खुद सरपंच ने कब्जा किया दो कनाल पे। कहीं नहीं, नहीं सरपंच सिर में तो नहीं चढ़ गया? वोटों की रंजिश के कारण सर को ये करवा रहा सरपंच। और लोग कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव की नाराजगी थी वो अब दुकानें तोड़वा करके पूरी की जा रही। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सरिबिक न्यूज। उस वक्त गंगवा गांव में मौजूद है जहां पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि भारी पुलिस बल जो है यहां पर फिलहाल पहुंचा है, साथ ही गांव के भी कुछ लोग जो है यहां पर मौजूद हैं। दरअसल मामला आपको बता दें कि गंगवा गांव के अंदर जो है मुख्य सड़क के ऊपर कुछ दुकानें बनी हुई थी, इन दुकानों को आज प्रशासन के पीले पंजे से तुड़वाया जा रहा है। मौके पर जो है गाँव के बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, पुलिस का जो पुलिस बल भी तैनात है, सिक्योरिटी के लिहाज से जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। पीला पंजा फिलहाल चलते हुए आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, जहां पर जो है धड़ाधड़े के बाद एक दुकानें गिराई जा रही हैं। दरअसल यहां पर जो मौके पर मौजूद अधिकारी हैं उनके अनुसार ये जो जमीन थी ये जो है कब्जा किया गया था, इसके ऊपर जो है और ये अब कंप्लेन की गई थी, तो कंप्लेन के तहत जो है नोटिस जारी कर जो है आज इन दुकानों को तोड़ा जा रहा है। और केवल ना आज बल्कि आगे भी इस तरीके की कोई शिकायत मिलती है और वाकई अगर किसी ने कब्जा किया है तो आगे भी इस तरीके की जो है कार्रवाई जो है जारी रखी जाएगी। गंगवा गांव की खबर फिलहाल आप देख पा रहे हैं और साथ ही मौके पर जो है न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि जो है BDO साहब भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। चलिए उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो आपको सुनवा देती हूँ। और इसके साथ ही यहां के जो BDO हैं विशाल जी वो भी इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज जो है गंगवा के अंदर ये पीला पंजा चलने का कारण क्या रहा? इसमें ये एनक्रोचमेंट किया हुआ इन्होंने, पंचायती जो हमारी लैंड है ऑन रोड, तो उस पर ये 4 से 5 दुकानें थी। तो एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी सरपंच की तरफ से और गाँव वालों की तरफ से कि कंटिन्यूसली ऐसा लोग कर रहे हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, ना इनकी कोई गोली लगी है ना पंचायत की तरफ से लैंड। तो फिर इनको सबसे पहले हमने 2 नोटिस सर्व किए थे, उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, और अगर बात करें फिलहाल जो जिस तरीके से गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ विरोध भी जो है गाँव वालों की तरफ से इन दुकानदारों की तरफ से किया गया है? कुछ लोगों का तो विरोध भी है, बट इससे विरोध से ज़्यादा काफ़ी लोग ये आ रहे हैं कि अदर जगह पे भी जो एनक्रोचमेंट उनको रिमूव किया जाए, तो लोग एक तरह से एक्टिव भी हो रहे हैं इस चीज़ की वजह से। तो लेट्स सी फर्दर क्या होता है। फिलहाल अगर बात करें आज कितने प्रॉपर्टीज पे जो है ये कब्जा जो है हटवाया गया है? ये 4 से 5 दुकानें थी यहाँ पे। और हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा या आगे भी जो है कुछ और कंप्लेंट्स गंगवा की गंगवा गांव के अंदर आपके पास है, क्या आगे और पीला पंचायत जो है गंगवा गांव में चल सकता है? या श्योर, बट जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोसेस होता है ऑफिशियली जिसको हम नोटिस देते हैं, नोटिस सर्व करने के बाद जैसे ही आगे कंप्लीट हो जाएगा टाइम, फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के सेम प्रोसेस, तो एनक्रोचमेंट कहीं नहीं रहने दिया जाएगा। सिंपली सेड यहाँ पे मैडम जी सरपंच खुद ने कब्जा करा रखा है 2 कनाल पे कब्जा, जो सरपंच खुद कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, पूरी गांव या सारे पंचायत के बैठे हैं कब्जा किए, सरपंच खुद का सरपंच है नहीं वो, सरपंच खुद सरपंच ने कब्जा, खुद सरपंच ने कब्जा किया है 2 कनाल पे। अच्छा, और आपके घर के पास तो अभी जो है BDO साहब का कहना था कि भाई सरपंच ने तो जो है साहब, तो ये तो एक वही बात है जी, एक रंजिश के कारण वोट और वो कुछ नहीं है, एक वोटों की रंजिश के कारण सर को ये करवा रहा है सरपंच, और इसमें वो कोई नहीं है। वोटों की रंजिश के चलते क्या मतलब, आपने वोट उनके अगेंस्ट में दिए थे, इस बात की नाराजगी? हाँ, इस बात की नाराजगी है मैडम। ये प्रॉपर्टी आप लोगों की थी? जी, भाई की है जी। जी, तो जिस तरीके से अवैध कब्जा करना कहीं ना कहीं कानूनी तौर से है तो गलत नहीं है? मैम आधा काम बैठा हुआ है, बहुत बैठे हुए, आज का नियम मोहल्ली हुई थी, अभी भी 2 साल हो गए बैठे को इसके अंदर दुकानदारी करते को। कोई कागज है आपके पास जो आपने मोहल्ली है? बिजली बिल एफिडेविट है मेरे पास जी, जो यहाँ पर लिए थे उसकी कुछ फर्द वगैरह जो जमीन के जो कागजात होते हैं एफिडेविट लिए थे मैम, पंचायती आज तक हम पंचायत में बैठा है, पंचायत से आपने एफिडेविट लिए थे। दोबारा पंचायत करने की कोशिश की आप लोगों ने? पंचायत क्या करे मैडम, मान ही नहीं रहा है सरपंच, सरपंच नहीं मान रहे हैं, गांव के लोगों से बातें करने की कोशिश की क्योंकि गंगवा साहब भी इसी गांव से हैं, कहीं क्या उन तक बात पहुंची? नहीं, उन तक नहीं पहुंची है मैडम, नहीं पहुंची है। चलिए BDO के बाद सरपंच से बातचीत कर लेते हैं और फिलहाल इस वक्त सरपंच साहब भी मौके पर हमारे साथ मौजूद है, गंगवा गांव से सरपंच है जय भगवान जी, तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर कहीं नई नई सरपंच सिर में तो नहीं चढ़ गए? लोग कह रहे हैं कि भाई जो चुनाव की जो नाराजगी थी वो अब दुकानें तोड़वा करके पूरी की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये CM Window थी
तो दो नोटिस दिए थे उनको और सीएम इंडो की शिकायत थी, शिकायत पे कार्रवाई की है जी। जी तो क्या पूरे गांव के जितने भी कब्जे थे, जितनी भी अवैध जमीनों पे कब्जे थे, वो सारे तुड़वाए गए हैं या सिर्फ जो चुनाव में आपके खिलाफ थे सिर्फ उन्हीं के टूटे हैं? नहीं, चुनाव के खिलाफ की बात नहीं है जी, ये सीएम इंडो की शिकायत थी। हाँ, वो शिकायत दूर करी हमने। तो क्या सिर्फ सिर्फ शिकायत जो है चार दुकानों को लेकर के थी या कुछ और जमीनों को लेकर भी इस तरीके की जो डिटेल्स आपके पास? नहीं, इन दुकानों की आई थी, इन पे हमने कार्रवाई कर दी, आगे कोई आएगी तो उनको देख लेंगे। जैसे ही आपके पास, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखिए। काफी गांव वाले नाराज दिखाई दे रहे हैं आपसे, उनका कहना है कि भाई खुद सरपंच भी जो है अवैध जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके इशारे पे ये सब किया जा रहा है, तो उन गांव वालों को क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मेरा कोई कब्जा नहीं है, कहीं कब्जा नहीं है। और जो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं रंजिश बरत रहे हैं, उनको लेकर क्या? नहीं, कोई रंजिश कोई नहीं है, ये सीएम इंडो की शिकायत थी, इसको हमने दूर किया है, आगे भी कोई इस तरह कोई शिकायत आएगी तो उनको भी दूर करने का काम करेंगे। तो भाई ये पूरा मामला हिसार के नजदीक लगने वाले गाँव गंगवा का, जहाँ पर जो है आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है गाँव वालों और पुलिस की मौजूदगी में, और आगे जो है लगातार इसी तरह की अपडेट सिटी बिग न्यूज आपको देता रहेगा, आपके शहर के आस पास की जो है हर जानकारी आप तक लगातार ही पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपकी राय में क्या इस तरीके से कार्रवाई करना, आपके हिसाब से कब्जा या कार्रवाई क्या सही क्या गलत, आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए सिटी विक न्यूज के साथ। नमस्कार।